हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ इस समय नोएडा हाट में और यहाँ पर इस लगा हुआ है सरस आजीविका मेला 2022। और ये मेला जो है लगा हुआ है 25 फरवरी से और 13 मार्च तक ये चलेगा, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। ये मेला तो 13 मार्च तक है, मगर ये स्टॉल्स यहाँ नोएडा हाट में पूरे साल भर लगे रहते हैं। यहाँ इस मेले में आने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है, पार्किंग बिल्कुल फ्री है, बेसमेंट में पार्किंग है, तो आपकी कार वगैरह आपका व्हीकल सुरक्षित रहेगा। नोएडा में इस्कॉन टेंपल के पास सेक्टर 32 में आपको ये नोएडा हाट मिलेगी और यहाँ पे हर स्टेट से उनका जो भी छोटा इंडस्ट्री है, जो भी उनका लघु उद्योग है, गृह उद्योग है, उन सभी को यहाँ पे इस मेले में एक स्टॉल दिया गया और यहाँ पे आप लोग उनको उनसे ख़रीदारी कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं उनके इस बिज़नेस को बढ़ाने में। हर स्टेट से यहाँ कुछ ना कुछ है, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, यूपी से, हर जगह से। और आज वीकडे होने के बावजूद भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे है। हर चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, जूते, चप्पल, लेडीज़ पर्स, साड़ियाँ, सूट और घर में रखने का डेकोरेशन का आइटम, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी बिल्कुल राइट फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया। हैंडीक्राफ्ट और प्योर लेदर के पर्सेस, बैग्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे रेट्स में अवेलेबल है। ये सरस आजीविका मेला जो है, ये वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। यहाँ का फूड कोर्ट, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिशेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं। देर इज़ अ स्पेशल प्लेस, यहाँ पे एक, जैसे आपने सुना होगा चौकी ढाणी है, उसी तरह यहाँ पे एक चौकी हवेली है। तो हम आए हैं चौकी हवेली में, आइए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे क्या। बाहर जो हाट है वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी भीड़ है आज वीकडे होने के बावजूद भी, मगर यहाँ पे अंदर जहाँ हम आए हैं यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है, बहुत कम लोग हैं। हालांकि ये बता रहे थे कि दिन में काफ़ी लोग थे, तो यहाँ पे खाने की भी सुविधा है।
पंडित जी ने मेरा फेस देख के फेस रीड किया और सही में बता रहा हूँ कि जितना कुछ बताया सब गलत बताया। जो उन्होंने बताई कुछ बातें तो ये ऐसी बताते हैं जैसे कि जनरल होता है कि मतलब जो जनरल सभी के लिए ठीक हो सकते हैं, बाकी उन्होंने और जो भी कुछ बताया हाँ तो वो कुछ भी जनरल बातें जितनी भी उन्होंने सब बोल दी, तो उनमें से कुछ तो ऑब्वियसली हर इंसान की ठीक जगह पे लगती हैं और बाकी सब गलत हो जाते हैं। और पंडित जी सुनो, पंडित जी कह रहे थे कि मेरी 5 साल में शादी होने वाली है। धीरे धीरे कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और अब हम भी जाएंगे अंदर खाना खाने के लिए, देखते हैं खाना कैसा है। चप्पल उतारनी पड़ेगी। रात के अराउंड 9 बज रहे हैं और अब यहाँ पे धीरे धीरे जो शॉप्स हैं ये क्लोज होने लगे हैं। और अगर आप लोगों को आना है तो दिन के टाइम में आइए, थोड़ा सा 3-4 बजे के आसपास, तो यू विल बी एबल टू चेक एवरीथिंग हियर, सब कुछ आप देख पाएंगे। जो नोएडा हार्ट वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा है और जो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आपको हर तरह के कजिन्स मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी टेस्टी फूड है। मगर बात करें अगर चौकी हवेली की, तो चौकी हवेली को अगर आप चौकी ढाणी से कंपेयर करेंगे तो यू विल बी लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड। 500 रुपीज़ उसका एंट्री का चार्ज है, जिसमें 190 जो है वो थाली का है और 300 रुपये उसका एंट्री का चार्ज है। थाली का तो 190 रुपीज़ समझ में आता है एंड दैट इज़ ओके, बट 300 रुपीज़ जो एंट्री चार्ज है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत मन से गया था मगर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। शायद हो सकता है कि आज वीकडे था इसलिए थोड़ी सी भीड़ भी नहीं थी, इस वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। बट अगर आप लोग चाहें तो नोएडा हार्ट और ये पोर्शन जो है नोएडा का, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलूंगा आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।